वो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम ले रहे हैं 21 बार, नीतीश जी का 20 बार, लालू जी नीतीश जी का 7 बार, और बिहार में भय का वातावरण है इसकी चर्चा 5 बार किया, ताली बजाओ 3 बार, जोर से बोलो 10 बार। वो तो हमारी राजनीति में औकात बताने के लिए, अहंकार उनमें भरा हुआ था। 2014 में पूर्णिया में चारों खाने चित हुए कि अपनी उपलब्धि की चर्चा तो उनके लिए बेमानी था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे के बाद आज जनता दल यूनाइटेड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अमित शाह ने सीमांचल में आकर के सिर्फ झूठ बोला है। उन्होंने एक एग्जांपल देते हुए ये कहा कि APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी जो है वहाँ उन्होंने बताया कि सारा पैसा केंद्र सरकार ने दिया है, जबकि ये सरासर झूठ है। सारा पैसा उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी बिहार सरकार का लगा है। इसके अलावा नीरज कुमार ने यह भी बताया कि उन्होंने भाषण के दौरान 20 बार लालू प्रसाद यादव, 21 बार नीतीश कुमार और 7 बार दोनों नेताओं का नाम लिया। कुल मिलाकर के उन्होंने रोजगार पर कोई बात नहीं की और कई ऐसी बातें हैं जो नीरज कुमार ने रखी है। कहा कि जब नीतीश कुमार ने विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने का प्रयास किया तो इस आगाज से उन्हें बेचैनी हो गई और इस बेचैनी को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। अंजाम जब होगा 2024 में उस वक्त तो इनकी बेचैनी और ज़्यादा बढ़ेगी। JDU के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा, अमित शाह पर क्या हमला बोला है और किस तरह का जो सियासी हमला है उसको लेकर के क्या उन्होंने बातें कही हैं, क्या उन्होंने डाटा रखा है बिहार सरकार की उपलब्धि को लेकर के, गठबंधन को लेकर के, छोड़ा जाते पूरे वीडियो के साथ। तब पूर्णिया में रैली, उस पूर्णिया की धरती जहां 2014 के चुनाव में, वो तो हमारी राजनीति में औकात बताने के लिए अहंकार उनमें भरा हुआ था। 2014 में पूर्णिया में चारों खाने चित हुए। हम लोग कॉलेज के दिन में जब पढ़ते थे तो एक गाना बहुत मशहूर था और उसका शुरुआत ही होता था, जमूरा था उस्ताद तो दिखा अपना कमाल। क्या हालात था कल पूर्णिया की सभा का, माननीय अमित शाह जी 30 मिनट 58 सेकंड बोले। अनुप्रिया ने बताया कि अपनी उपलब्धि की चर्चा तो उनके लिए बेमानी था। वो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम ले रहे हैं 21 बार, नीतीश जी का 20 बार, लालू जी नीतीश जी का 7 बार, और बिहार में भय का वातावरण है इसकी चर्चा 5 बार किया, ताली बजाओ 3 बार, जोर से बोलो 10 बार। माननीय अमित शाह जी, देश की राजनीति में ये कैसी परंपरा है आप शुरुआत कर रहे हैं। अब कौन है जमूरा, कौन है उस्ताद, हूं जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यशैली है कि ताली बजाओ, जोर से बोलो। ये जो पूरा परिदृश्य उभर करके आया उससे ये लग रहा था कि और पैरवी से ताली बजवाना राजनीति का इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक पक्ष नहीं हो सकता है कि कोई लीडर स्टेट्समैन यह कहे कि ताली बजाओ, इसका मतलब जनता रिस्पॉन्ड नहीं करती है आपको। इसका एहसास माननीय अमित शाह जी आपको हुआ होगा और हम इसलिए इन बातों की चर्चा कर रहे हैं कि देखा होगा आपने एक बार, मैंने देखा, मैं सुन रहा था, गरीबों की सरकार है ना, उस पर कोई कुछ बोलिए नहीं रहा था, जवाब ही नहीं आ रहा था, लग रहा था कि अडानी अंबानी वाला बात दिमाग में चला गया सबका, ये उसकी सरकार है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजनीति की एक ऐसी प्रयोगशाला ये बनाना चाहते हैं जहां अपनी उपलब्धियों की चर्चा नहीं करते, नकारात्मक बिंदुओं को राजनीति में केंद्र बिंदु के रूप में ये रखना चाहते हैं। मैं इन बातों की चर्चा इसलिए कर रहा हूं, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी और हमारी पार्टी ने यह बार बार स्पष्ट किया है कि हम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं, हम विपक्षी एकता को किए जाने के पक्षधर हैं,
लेकिन अमित शाह जी, बिहार में जब हमने फैसला लिया तो आपकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि आप 2 दिन के सीमांचल के प्रवास पर हैं और लगा कि अब तो आगाज हुआ है। केवल महागठबंधन ने जब आगाज किया और राष्ट्रीय राजनीति में यह बहस का विषय बन गया तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बेचैन होकर करके पहुंच गया सीमांचल पूर्णिया के दौरे पर, 2 दिन के प्रवास के दौरे पर। तो ये तो आगाज से इतनी परेशानी आपकी हो रही है, जब आगाज में इतना बेचैन है अमित शाह जी, तो आने वाला दिन जो 2024 का है उसका एहसास तो आपको खूब अच्छे तरीके से है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय अमित शाह जी ने जो अपनी बातों को रखा, उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने कहा पहले हम लोगों